वंदे मातरम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके, वेरी गुड। तो टुडे अवर सब्जेक्ट इज ईवीएस। आज हम ईवीएस करेंगे और ईवीएस में चैप्टर 7 इज एयर। आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, ओके? तो उसमें हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हॉज वेट, एयर हेल्प्स इन बर्निंग एंड वाइंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, मतलब कि एयर वहां सभी जगह होती है जहां हम होते हैं, मतलब कि एयर हमारे आसपास होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम हवा के बिना नहीं जी सकते। इट हैज नो कलर, मतलब कि उसमें कोई कलर नहीं है, स्मेल और टेस्ट, उसमें कोई स्मेल नहीं है और कोई टेस्ट भी नहीं है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट वेन इट मूव्स, मतलब कि हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जब भी हम मूव करते हैं। वी कैन फील एयर वेन वी ट्रेवल इन अ ट्रेन विद एन ओपन विंडो, मतलब कि हम हवा को, एयर को फील कर सकते हैं जब हम कहीं पे ट्रेवल करते हैं, जैसे कि ट्रेन में हम विंडो के पास होते हैं या फिर बस में होते हैं विंडो के पास, तभी हमें जो हवा लगती है तो हम उसे ऐसे फील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे है एक एक्टिविटी, उसमें देखो क्या है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, टिक राइट द एक्टिविटीज विच यू थिंक आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एयर, मतलब कि अभी हमें एयर की जरूरत कहाँ पे होती है, मतलब कि वो हमें यहाँ पे एक्टिविटीज में करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये सबसे पहले बलून में अगर हमें बलून को अगर हमें फुलाने हो तो उसमें हमें एयर की जरूरत होती है। इसके बाद पानी पीने में हमें एयर की जरूरत नहीं होती, फिर हमें सोने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है, देखो यहाँ पे है ना फैन। इसके बाद साइकिल में हवा भरने के लिए भी हमें एयर की जरूरत होती है, फिर डस्टबिन में कोई भी कचरा फेंकने के लिए हमें हवा की जरूरत नहीं होती, फिर पतंग चगाने के लिए, काइट के लिए भी हमें हवा की जरूरत होती है। ओके, इसके बाद है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव, मतलब कि सारी चीजों को, सभी को एयर की जरूरत होती है जीने के लिए। तो यहाँ पे है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रेथ एंड टू लिव, मतलब कि हम ह्यूमन को, फिर एनिमल्स को, प्लांट्स को, हम सबको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, जीने के लिए हवा चाहिए होती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, मतलब कि हमें यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई है तो उसे हम देखेंगे और फिर हम इससे सीखेंगे कि हमें कैसे हेल्प चाहिए होती है एयर की। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें देखो यहाँ पे वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं जी सकते। लेट अस वेरीफाई इट, मतलब कि चलो अभी हम देखते हैं। पिंच योर नोस्ट्रिल्स फॉर अ वाइल, मतलब कि हमें अपने नाक को, एक जो यहाँ एक तरफ वाला नाक है उसे हमें दबा के देखना है, मतलब कि एक उंगली से दूसरी उंगली से हमें अपने नाक को दबाना है। फिर व्हाट डू यू फील, मतलब कि आपको क्या फील होता है जब हमारे अंदर हवा नहीं जाती है, तो हमें क्या फील होता है, तो हमें बेचैनी सी होती है। ओके, तो आप एक बार ट्राई करना। इसके बाद यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है, टेक टू पोटेड प्लांट्स, मतलब कि हम, आप कोई भी दो प्लांट लो, मार्क देम ए एंड बी, मतलब कि उसमें हम ए या बी मार्क लगाते, देखो ऐसे यहाँ पे है ना ए बी। इसके बाद पुट प्लांट ए इन एन ओपन एंड एरी प्लेस, मतलब कि हमें ये जो ए वाला प्लांट है उसे हमें कहीं पे जो हवा, जहां पे हवा की आवन जावन होती है वो वाली प्लेस पे हमें रख देना है। इसके बाद कवर द प्लांट बी विद द पॉलीथीन बैग, मतलब कि दूसरे वाले, मतलब कि जो बी प्लांट है उसे हमें पॉलीथीन से कवर करना है। आफ्टर टू डेज, मतलब कि दो दिन के बाद, यू विल ऑब्जर्व दैट प्लांट ए रिमेन्स ग्रीन एंड हेल्दी वेरियस प्लांट बी हैज ड्राइड अप, मतलब कि दो दिन के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो जो प्लांट ए है वो बहुत ही ग्रोथ हो चुका है, मतलब कि वो उसके जो पत्ते हैं वो एकदम ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं एंड हेल्दी है,
और लेकिन ये जो प्लांट बी है वो एकदम ड्राई हो चुका है. ओके, दिस इज बिकॉज प्लांट बी डिड नॉट गेट इनफ फ्रेश एयर टू ब्रेथ. क्योंकि ये जो प्लांट बी है उसको जीने के लिए यानी कि ब्रेथ के लिए उसे एयर नहीं मिल रही थी, इसलिए ये देखो ये सूख गया. और प्लांट ए जो है वो कंप्लीटली बाहर एयर में था, तो ये देखो ये कितना ग्रीन है और हेल्दी है. ओके, ऐसे इससे पता चलता है कि हमें एयर की कितनी जरूरत है. इसके बाद यहाँ पे है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कि हवा जगह कहाँ पे रोकती है. तो देखो यहाँ पे है टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इन टू इट, मतलब कि हमें एक बलून लेना है और उसमें हवा भरनी है. इट विल बिकम बिगर एंड बिगर, मतलब वो कैसे बिगर हो, मतलब कि बड़ा कैसे होता है. तो देखो सो वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें वो जो हवा होती है वो जगह रोक लेती है. देखो जैसे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सिंपल सा बलून है, मतलब कि ऐसे ही इसमें ये बलून विथ लिटिल एयर, मतलब कि ये बच्चा है वो धीरे धीरे बलून में एयर भर रहा है. ब्लोइंग एयर इन टू द बलून, मतलब कि देखो यहाँ पे ये जो बलून है उसमें कंप्लीटली हवा भर चुकी है. तो देखो बलून विथ एयर, यहाँ पे देखो बलून फूल गया, मतलब कि बलून ने हवा रोक ली, जगह रोक ली, हवा भर दी उसमें. तो ऐसे हवा होती है वो जगह रोकती है. अभी देखो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है. इसमें है फिल एयर इनटू एन एम्प्टी प्लास्टिक बैग विथ योर माउथ, मतलब कि एक एम्प्टी प्लास्टिक की बैग लेनी है. इसमें क्या करना है कि इसमें हमें हवा भरनी है. देखो ये बच्चा हवा भर रहा है. आफ्टर फिलिंग एयर क्लोज द माउथ ऑफ द बैग टाइटली विद द रबर बैंड, मतलब कि उस जो वो बैग है उसमें हवा भरने के बाद उसका माउथ है वो हमें रबर बैंड से बंद कर देना है एकदम टाइटली. देखो यहाँ पे ये है ना, दूसरा बांध दिया ना. फिर है द बैग विल स्वेल अप, व्हाई हैज द बैग इंक्रीज्ड इन साइज, मतलब कि देखो ये जो बैग है वो फूल गई है, मतलब कि साइज से बड़ी हो चुकी है. इट इज बिकॉज एयर ऑक्यूपाई स्पेस इन द बैग, क्योंकि ये जो बैग है इसके अंदर हवा ने अपनी जगह बना ली है, इसीलिए ये जो बैग है वो एकदम फुल चुकी है, बड़ी हो चुकी है. ओके, इसके बाद यहाँ पे है एयर हैज वेट, मतलब कि जो हवा होती है उसमें वेट होता है. तो देखो कैसे, लाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट एयर टू हैज वेट, मतलब कि जो ऐसी कई सारी चीज होती है जिसमें हवा होती है, मतलब कि उसमें हम देख सकते हैं कि उसका वजन कितना है. जैसे कि देखो लेट अस लर्न अबाउट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ये हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे कि ये हवा में वेट कैसे होता है. तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी है टेक टू फुटबॉल्स इन बोथ हैंड्स, मतलब कि देखो ये लड़के ने अपने दो हाथ में फुटबॉल लिए, तो हमें अपने हाथ में फुटबॉल लेने हैं. वन विदाउट एयर एंड वन फील्ड विद एयर, मतलब कि एक हवा के बिना और एक बलून फुटबॉल जिसमें हवा हो. विच वन इज हैवियर, और आपको देखना है कि कौन सा जो फुटबॉल है उसमें हवा है, मतलब कि भारी है. यू विल फाइंड दैट द फुटबॉल फील्ड विथ एयर हिज हैवियर, मतलब कि आप देख सकते हैं कि कौन से फुटबॉल में ज्यादा वजन है, वेट है. तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिस फुटबॉल में हवा भरी हुई है वो सबसे ज्यादा हैवी है. सो एयर वॉज वेट, मतलब कि इससे पता चलता है कि एयर एकदम हवा मतलब कि वेट होता है उसमें. इसके बाद है एयर हेल्प्स इन बर्निंग, मतलब कि जो एयर है वो बर्न होती है कैसे. तो देखो एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, मतलब कि बर्न करने के लिए एयर जरूरी होती है. तो देखो जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी है उससे हमें ज्यादा पता चल जाएगा. लाइट टू कैंडल्स, मतलब कि हमें दो कैंडल लेनी है और उसमें लाइट करनी है. इसके बाद कवर वन कैंडल विद अ लार्ज ग्लास जार, इसके बाद एक कैंडल को हमें जो ग्लास के जार होता है देखो यहाँ पे इससे हमें कवर करना है. लीव द अदर कैंडल अनकवर्ड, और दूसरी जो कैंडल होती है उसको हमें अनकवर्ड रखना है ऐसे, मतलब कि खुली रखना है. यू विल सी दैट द अनकवर्ड कैंडल कीप्स बर्निंग, आप देख सकते हैं कि जो अनकवर्ड कैंडल है वो बर्न हो रही है, मतलब कि वो अभी भी जल रही है.
द कवर्ड कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर समथिंग एज इट डज नॉट गेट इनफ एयर टू बर्न। और यहां पे देखो, यहां पे ये जो दूसरी वाली कैंडल है वो बंद हो गई है, वो जल नहीं रही है क्योंकि उससे सही तरीके से ऐसी हवा नहीं मिल रही है, वो एकदम अंदर अंदर बंद हो गई क्योंकि उसे हवा नहीं मिल रही है, ब्रेथ नहीं हो रही उसकी, इसीलिए वो बंद हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो खुली वाली कैंडल है वो जल रही है, इसका मतलब कि ये जो एयर है वो बर्न करता है, मतलब कि हेल्प करती है बर्न में। इसके बाद है वाइंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, मतलब कि हवा जो यहां से यहां घूमती रहती है उसे वाइंड कहते हैं, जैसे कि पवन। इट हेल्प्स इज अस इन मेनी वेज, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि वो कई तरीके से होती है, जैसे कि देखो फ्लाइंग काइट, मतलब कि काइट हमें फ्लाइंग करने के लिए हवा की जरूरत होती है। फिर सेलिंग बोट। इसके बाद है नीचे यहाँ पे पैराशूट, पैराशूट को उड़ाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। इसके बाद है वाइंड मिल, मतलब कि पवन चक्की, इसको भी हवा की जरूरत होती है। इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी है तो वो भी हम देखते हैं। इस एक्टिविटी में यहाँ कहा गया है लेट अस लर्न टू मेक अ पैराशूट एट होम, मतलब कि हम एक पैराशूट बनाते हैं घर पे, तो कैसे कि टाई स्ट्रिंग टू द फोर कॉर्नर ऑफ अ हैंकरचीफ, मतलब कि हमें एक रूमाल लेना है, उसको हमें फोर साइड से ऐसे कॉर्नर से हमें इसे ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे बांधना है टाई से। टाई अ टॉय एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि देखो यहाँ पे ये लड़की ने ऐसे पैराशूट बना लिया और यहाँ पे ऐसे टॉय को इसमें डाल दिया, मतलब कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी उससे बांध दिया। स्लोली ड्रॉप द टॉय फ्रॉम अ हाइट, मतलब कि उसने क्या किया कि देखो ये हैंकर चिप के साथ ये टॉय को बांध दिया और फिर उसे स्लोली स्लोली छोड़ दिया। वॉच योर टॉय स्लोली फ्लोट डाउन, आप देख सकते हो कि कैसे ये जो टॉय है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब कि ये भी एक हवा के जरिए होता है। ओके, फिर देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दी गए हैं, जैसे कि ऑक्यूपाइज, मतलब कि फील, और टेक अप, मतलब कि जो हवा रोकती है, स्वेल टू ग्रो लार्जर, वाइंड मूविंग एयर। इसके बाद यहाँ पे है समरी। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, मतलब कि एयर जो होती है वो हमारे आसपास होती है। All living thing need air to be breathed, मतलब कि सारी चीजों को, सभी लोगों को जीने के लिए breath के लिए हवा की जरूरत होती है। Air occupies space and wall has weight, ये जो air होती है वो space, मतलब कि जो air में जो air होती है वो space ज्यादा रोकती है और उसमें वजन भी होता है। Air is necessary for burning, मतलब कि जो हमने कैंडल वाला एग्जांपल लिया था, मतलब कि बर्न करने के लिए एयर की बहुत जरूरत होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, मतलब कि जो हवा यहां से इधर उधर होती रहती है उसे वाइंड कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ईवीएस का चैप्टर 7 एयर फिनिश होता है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, वंदे मातरम।